पहला पुत्र कौन सा माता है बहने भाई बंधु ध्यान देना। आप किसी से कर्जा लो और समय पे दे नहीं पाओ, या जिससे कर्जा लिया हो उसकी मृत्यु हो गई और आप खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ देना नहीं पड़ेगा, वो तो गया क्योंकि हम दोनों की बात थी, चलो बढ़िया हुआ, उसके मन में लड्डू फूट गए, चलो ठीक है आया गया। अब वो तो अपन ने कह दिया आया गया, लेकिन वो चक्रधारी का चक्र आया गया थोड़ी करेगा, वो आया गया नहीं करेगा। कहा ये चार प्रकार के पुत्र में पहला पुत्र है ऋणी पुत्र। अगर हम किसी का ऋण दे नहीं पाते हैं तो कहा है कि वही ऋण पुत्र रूप में जन्म लेता है आपके घर, और वो ऐसा होता है जिसका लक्षण बताया भागवत कथा में कि बचपन से रोगी। ऋणी संतान का क्या गुण है कि बचपन से रोगी रहेगा और बड़ा हो जाएगा तो माता पिता को कमा के नहीं खिलाए, माता पिता कमा के उसे खिलाए और माता पिता के सामने ही अपना ऋण चुकता करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो है ऋणी संतान। माता पिता के सामने ही भरी जवानी में चला जाए ऋणी पुत्र, अपना ऋण पूरा किया चला। दूसरा पुत्र बताया है उदासीन। एक एक शब्द पर ध्यान देना सभी। पहला पुत्र है ऋणी और दूसरा है उदासीन। उदासीन का क्या गुण बताया, बोले उदासीन का ये गुण है जो बचपन से सीधा सादा सरल भोला, और इतना सरल है इतना सीधा है कि जो पहनाओ वो पहन ले, जहां बिठाओ वहां बैठ जाए, जो खिलाओ वो खा ले, घर वाले भी सब चिंता करे, बिल्कुल ठंडा बाठा जैसा छोरा है। दादा दादी भी फिकर करे कि बड़ा भाई तो बिल्कुल तेज तर्राट और छोटा जो है बिल्कुल सीधा साधा। नाम रख दिया क्या, बोले भोला 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 भोला। फिकर करे कि विवाह भी करे कि नहीं करे, क्यों, अरे इतना भोला है कि ये खुद को नहीं संभाल पावे तो घर वाली को क्या संभाल, क्यों किसी छोरी की जिंदगी बर्बाद करो, क्यों ये इतना भोला। लेकिन बताया क्या है कि जैसे ही विवाह हुआ, जिसे हमने भोला भोला कहा, जैसे ही विवाह हुआ कि पांच बर्तन लेके अलग हो गया भोला, ये उदासीन संतास निशानी है उदासीन की। पहला पुत्र कौन सा, ऋणी, और दूसरा उदासीन। उदासीन की क्या निशानी है कि बचपन से सीधा साधा, सबने नाम रख दिया भोला 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 भोला, और जैसे ही विवाह हुआ तो पांच बर्तन लेकिन अलग हो गया। अब दादा दादी भी बोले कि गजब भोला ने बोला तो क्या, ये तो इतना भोला था ना, ये तो एकदम जो पंख आए उड़े वो तो जोर से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये भोला बोल रहा है, ये भोला नहीं बोल रहा है, ये पंख बोल रहे हैं उड़ रहा है। पहला पुत्र बताया भागवत कथा में ऋणी, दूसरा बताया है उदासीन, और तीसरा बताया है पापी। और पाप अनेक प्रकार के, आप ये मत सोच लेना कि हमने पाप किया तो हम बच जाएंगे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अगर सत्कर्म का फल मिलता है तो गलत कर्म का दंड भी मिलेगा, इसमें कोई, ये तो चक्र है। पाप अनेक प्रकार के हैं, व्यक्ति पाप करता है और सोचता है कि मैं तो बच गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यहां हर व्यक्ति खुद से ही धोखा खा रहा है, यहां कोई कह रहा है मुझे वो धोखा दे रहा है, उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया,
लेकिन संतों की वाणी कह रही है कि यहाँ कोई किसे धोखा नहीं देता, यहाँ तो जीव आत्मा खुद से ही धोखा खा रहा है, खुद से ही खा रहा है। आप नहीं मानो तो देख लो, कोई धनवान व्यक्ति किसी गरीब को दुख देता है, सुन लेना सभी, कोई धनवान व्यक्ति, कोई पद पावर प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति किसी गरीब को दुख देता है तो गरीब तो उसे दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो बड़ा व्यक्ति है, 100 बीघा जमीन का जमींदार, और अपन छोटे गरीब नजर नहीं उठा सके, उनसे नजर मिला के बात नहीं करे, वो 4 गाली भी दे तो अपने को नजर झुका के सुन ले, ऐसा गरीब। अब धनवान व्यक्ति गरीब को दुख दे रहा है तो गरीब तो धनवान को दुख नहीं दे सकता, लेकिन कहा कि समय का चक्र ऐसा घूमेगा कि उसी धनवान के घर ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो उसे जिंदगी भर दुख देगा, जिंदगी भर दुख देगा उसे। अब बताओ धोखा किसने किया? अपन ने ही अपने से धोखा किया, इसलिए संतों ने गाया भी है।